हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं माला यादव। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मैजिक मसाला बाय माला में। दोस्तों, आपको पता ही है नवरात्रों की स्टार्टिंग हो चुकी है और इन दिनों में हम सबका व्रत रहता है, तो आज मैं व्रत के लिए तैयार करने जा रही हूं नवरात्रि व्रत स्पेशल थाली, जिसमें मैं पहली चीज़ बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, जो एक कॉमन डिश है जो इसमें बनती ही है। तो इसमें लगने वाली चीज़ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं। देखिए, ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने रफली काट लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिसे बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून साबुत जीरा है, क्योंकि इसमें मेन डिश जीरा ही है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च है जिसे दरदरा कूट लिया है मैंने। 5 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने रफली काट लिया है। देखिए, अगर आप लोग टमाटर नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 कप के बराबर है ये। 1/2 कप ऑफ तेल है। अब कितना लगेगा उस हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये सरसों का तेल है, आप घी में भी बना सकते हैं। ये 5 आलू है जिसको उबाल के मैंने मैश कर लिया है। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है। गैस ऑन कर लिया है मैंने। ये मैंने कढ़ाई रख दी है इसके ऊपर। अब ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। इसमें हमने घी डाल लिया है, जीरा डाल लिया। इसको अच्छे से भून लेंगे, गोल्डन हो जाएगा जीरा। अदरक डाल लिया है हमने, हरी मिर्च डाल ली है, कड़ी पत्ता भी डाला है इसमें। टमाटर डाल लिए हैं जो छोटे छोटे काट लिए थे, उसको भी चला लेंगे अच्छे से। हल्दी डाल ली है, टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे, व्रत वाला नमक है ये, सेंधा नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक लेंगे इसको, अच्छे से चला लेंगे। वापस लीड लगा देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। देखिए, हल्का सा टमाटर पकने लगा है, इसको चला लिया। अब धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे इसमें, फिर से वापस इसको चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वापस इसमें लीड लगा देंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल हमने लो कर दिया है। अब धीरे धीरे इसमें गल जाएगा टमाटर और मसाले भी सारे पक जाएंगे। देखिए, तकरीबन पक गया है ये। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से टमाटर को, कच्ची से चलाते हुए अच्छे से। धीमी धीमी खुशबू आने लगी है इसमें से। वापस लीड लगा देंगे इसको, थोड़ा सा और पकने देंगे। अब ये हो गया है पूरी तरह से, मसाले भी पक गए हैं, टमाटर भी गल गया है। आलू ऐड कर लेंगे, आलू को मैश कर लिया अच्छे से हमने, उबले हुए आलू हैं ये। इसको भी मिला लेंगे मसालों के साथ, अच्छे से चला लेंगे, जिससे जो फ्लेवर है वो आलू में भी आ जाए। अब पानी ऐड किया है हमने, पानी ऐड कर रहे हैं। पानी आप जितना पतला सब्जी खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें पानी तकरीबन 1.5 गिलास डाला है, क्योंकि ये पकने के बाद पानी इसमें ऑब्जर्व होगा तो ये सब्जी और ठीक हो जाएगी। अब अच्छे से चला ले रहे हैं।
आप पतले खाते होंगे तो पानी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया है टोटल, अच्छे से मिक्स कर दिया। फ्लेम जो है स्लो ही है। अब लीड कवर कर दिया हमने, उसको हल्के उस पर थोड़ा सा उबाल आने देंगे। तब तक इसमें लगने वाला सामान देख लेते हैं। 1 कप ये समा के चावल हैं। ये जनरल स्टोर, किराना स्टोर, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। ये वर्त वाले चावल कहलाते हैं। ये बहुत पतले बारीक होते हैं। इसको अगर ना मिले तो ऑनलाइन भी मिलता है ये। 1 टेबल स्पून साबुत जीरा है, अदरक है 1 इंच जो हमने बारीक काट लिया है, 4 हरी मिर्च है जो बीच में से हम काट लेंगे, इसको कड़ी पत्ता है कुछ पत्ते, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च है, और इलायची है, और लौंग है, 2-2, 3-3 पीसेस हैं। 1/4 कप मूंगफली है जो हम इसमें पुलाव में यूज़ करेंगे। 1/2 कप देसी घी है जिसमें हम पुलाव में यूज़ करेंगे। घी में जो देसी जो पुलाव है बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए इसको हम धो लेते हैं अच्छे से, जिससे इसकी धूल मिट्टी बाहर निकल जाएगी, और इसको 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देंगे। देखिए सब्जी तैयार हो गई है हमारी। इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। व्रत वाली सब्जियों में खुशबू ही अलग से आती है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए इसकी जो थिकनेस है कितनी अच्छी है। पूड़ी और चावल दोनों के साथ ये अच्छे से खाई जा सकती है। व्रत में खाई जाने वाली सबसे पॉपुलर सब्जी है ये। इसमें कोई चीज़ आप ना खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। अब हमने वो गैस बंद कर दी है और सब्जी एक तरफ रख दी है। अब हमने कढ़ाई ले ली है, वापस गैस ऑन कर दी है हमने। अब ये हम मूंगफली डाल लेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई हल्की सी गर्म हो गई है और इसको चला लेंगे धीरे धीरे। आँच बिल्कुल स्लो है, तेज़ करेंगे तो मूंगफली जल जाएगी। स्लो आँच पर इसको अच्छे से चला लेंगे, हल्की सी रोस्ट हो जाएगी ये, तब इसको निकालेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम घी ऐड करेंगे। अभी सूखा ही इसको हम भून रहे हैं। हल्का सा घी ऐड कर दिया हमने, फिर भून लेंगे वापस। अभी हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है। फ्लेम बिल्कुल लो है, कम है, हो गई है ये हल्की गोल्डन हो गई है। इसे निकाल लेंगे कटोरी में। निकाल लिया है हमने, कढ़ाई साफ कर ली है हमने। अब इसमें जो तेल है वो तेल डाल लेंगे इसमें हम। 1/4 कप हमने इसमें तेल यूज़ किया है, घी यूज़ किया है, देसी घी। आप जो जौन सा तेल खाते हो या घी खाते हो उसमें आप बना सकते हैं। अब इसमें जीरा ऐड कर लेंगे, घी गर्म हो गया है। काली मिर्च ऐड कर लिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक सब ऐड कर लिया हमने। अब इसको हल्का सा इसको भून लेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब चावल ऐड कर लेंगे जो हमने 20 मिनट अच्छे से धो के भिगोए हुए थे। भून लेंगे, चावल को भी मिक्स कर लेंगे इसमें। अब मूंगफली ऐड कर लेंगे जो हमने भून के निकाल ली थी। 1 कप चावल है तो इसमें 2 कप पानी ऐड कर लेंगे पुलाव बनाने के लिए। अब टेस्ट अनुसार व्रत वाला नमक डाल लेंगे। फिर से चला लेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, आपस में फ्लेवर मिक्स हो जाए। अब लीड लगा लेंगे और जो आँच है बिल्कुल हमने स्लो कर दिया है। अब इसी पर आराम से पकेगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा ये। देखिए अब एक बार चेक कर लेते हैं, हल्का सा कच्ची से देख लेंगे इसको हम। देखिए भी हल्का सा गीला है लेकिन ये पक गया है।
इसको गैस बंद करके वापस ढक देंगे। ये अपने ही भाप में बिल्कुल पक जाएगा और खिला खिला हो जाएगा बाद में। इसमें हम नींबू भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ नींबू नहीं ऐड कर रही हूँ, जो लोग थोड़ा सा खट्टा खाना पसंद करते हैं वो इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। चलिए अब पूड़ी बनाने के लिए हमने सवा का चावल ले लिया है। दोबारा ये 1 कप सवा के चावल है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। आप किसी कोई सी मिक्सी यूज़ कर सकते हैं इसको ग्राइंड करने के लिए, बारीक आटा बन जाएगा। देखिए आटा बन गया है, ये आटे से बारीक आटे की तरह पीस लिया है इसको हमने। अब हमने 1 कप चावल के लिए 1.25 कप पानी लिया है, इसको गर्म कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच घी डाल लिया है हमने, देसी घी, और थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर लिया है इसके अंदर हमने। इसको मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आटे को भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, पानी उबल गया है तो अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा नीचे चिपकता है तो इसको हमें पकड़ के अच्छे से चलाना पड़ेगा। फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो है, स्लो फ्लेम पे ही इसको हमें चलाते रहना है। ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत पानी और डाल सकते हैं इसमें हम। देखिए आटा एकदम मिक्स होने लगा है, आपस में बाइंडिंग होने लगी है। ये ग्लूटेन फ्री होता है आटा, इसलिए हमें इसको पका के बनाना पड़ता है, नहीं तो ये पूड़ी बन नहीं पाएगी, फट जाती है। उबाल के पकाने से इसमें बाइंडिंग आ जाती है। अब ये थोड़ा सा इसको ठंडा करके गूंद लेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा घी भी मिक्स करेंगे, क्योंकि इसका जो अपनी तासीर होती है वो काफ़ी ड्राई होती है और काफ़ी फाइबर होता है इसके अंदर, इसीलिए व्रत में ये खाई जाती है। एक तो टेस्टी बहुत बनती है इसकी पूड़ी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें इसकी पूड़ी बनाएं। पुलाव वगैरह तो हम खाते ही हैं, खीर भी खाते हैं, पूड़ी भी बना के ट्राई करें। थोड़ा सा हमने इसमें घी मिला लिया है, इसको अच्छे से धीरे धीरे गूंद लेंगे। आटे को ठंडा, हल्का सा ठंडा किया है हमने, और गरम गरम हल्का सा गरम में इसको गूंद रहे हैं। देखिए बिल्कुल नॉर्मल आटे जैसा हो गया है ये, और हल्का सा घी का हाथ लगा के वापस इसको गूंदेंगे, बिल्कुल इसको चिकना कर लेंगे। और थोड़ा सा घी भी अप्लाई करके रख दिया है इसको हमने। अब हमने कढ़ाई लेके तेल ले लिया है, गैस ऑन कर दी है, तेल गर्म हो रहा है। पेड़े बना लेंगे पूड़ी के लिए, हमने 4-5 पेड़े बना लिए हैं। और इसमें ऑयल अप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ और इसको बेल लेंगे। इसको परफेक्ट शेप देने के लिए हमने कटोरी से काट लिया है इसको। अब इसको हम तेल तो हमने हाई पे गर्म करके एकदम मीडियम कर दिया, धीरे धीरे इसको उलट पलट के पकाएंगे। स्टार्टिंग में नहीं पलटेंगे, नहीं तो फटने लगेगी ये, तो धीरे धीरे पकाएंगे। मैं एक एक करके पूड़ी पका रही हूँ, तल रही हूँ इसमें। देखिए आँच जो है मीडियम है, दबा दबा के दोनों तरफ से। अगर ये बहुत ना फूले तो आप इसमें घबराएं नहीं, गेहूं के आटे जितना तो बिल्कुल नहीं, उतना नहीं फूलती है, लेकिन उससे कई गुना ये टेस्टी होती है। थोड़ा थोड़ा ये दबाएंगे तो फूलने लगती है। वापस बेल लेंगे और पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। और वैसे ही हमने कटोरी से काट लिया है। कटोरी से काटने से ये होता है कि शेप बहुत अच्छी आ जाती है, किसी भी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए और भी जो पेड़े थे उसके भी हम पूड़ियाँ बेल रहे हैं, और वापस हमने कटोरी से काट लिया है। और बेल 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 के हम छान रहे हैं, और जितनी बनती जा रही है हमने टिश्यू पर एक प्लेट में निकालते जा रहे हैं। इसको भी बेल लेंगे, और आटे को कोशिश करेंगे ढक के रखें, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है ये समा का जो आटा है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है। पर इसकी पूड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनती हैं और बहुत टेस्ट होता है इनमें। इसको भी हमने कटोरी से काट लिया है, और इसको भी तल लेंगे मीडियम आंच पे। कभी स्लो कर लेंगे, कभी मीडियम कर लेंगे, देख लेंगे पूड़ी का क्या हिसाब किताब है इस टाइम तलने में। ये देखिए अच्छे से दबा दबा के इसको भी तल लेंगे, हल्की गोल्डन हो जाएंगी पूड़ियाँ, तो इसको हम निकालते जाएंगे। देखिए नवरात्र स्पेशल व्रत की थाली तैयार है, जिसमें मैंने आलू की सब्जी बनाई है, समा के चावल के पुलाव हैं, समा के चावल के ही पूड़ियाँ बनाई हैं, चटनी है और दही है। आप इस थाली के खाने को ज़रूर बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।